Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं वर्समेलिक का पोहा। इसको सेवियों का पोहा भी कहा जाता है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाती है। आप इसको ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स में सिर्फ 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं और औरों को खिला सकते हैं। इसमें मैंने डाली है बहुत सारी वेजिटेबल्स, तो ये है सुपर हेल्दी। तो चलो इसको बनाते हैं। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम एक चम्मच घी में करेंगे अपनी सेवियों को रोस्ट। इनको रोस्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पानी में जब बॉइल करें तभी आपस में चिपके नहीं। अगर हम इनको शेलो फ्राई नहीं करेंगे तो कच्ची सेवियां पानी में स्टार्च छोड़ देंगी और आपस में चिपक जाएंगी। इनको हमें रोस्ट करना है जब तक इनका रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए। इनका रंग हो गया है बढ़िया सुनहरा, तो ये हो गई है हमारी अच्छे से रोस्ट। अब एक पैन में डालेंगे पानी और जब उसमें उबाल आ जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम अपनी रोस्टेड सेवियां। क्योंकि सेवियां मैदे से बनी होती है, इनका खुद का कुछ टेस्ट नहीं होता, तो इसमें उबालते टाइम सॉल्ट डालना बहुत जरूरी है ताकि सॉल्ट अच्छे से रम जाए। आप इसको हाथों से दबा कर भी देख सकते हैं कि ये नरम हुई है या नहीं। जब ये उबल जाएंगी तो सेवियों को एक छलनी में डाल लें ताकि जो एक्सेस पानी है वो छलनी से निकल जाए और सेवियां हमारी ड्रेन हो जाएं। देखा दोस्तों, है ना ये कितना आसान। सेवियां हमारी उबल गई हैं, बस अब हम पका लेते हैं अपनी सब्जियां। उसके लिए पैन में लेंगे 2 चम्मच घी, फिर डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच चना दाल, 1 सूखी लाल मिर्च और 5 से 7 कड़ी पत्ते। इनको हम 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक ये तड़कने ना लग जाएं। अब डालेंगे इसमें हम 15 से 20 मूंगफली के दाने। ये कच्ची मूंगफली है जो बाजार में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। जब ये भुन जाएगी, हल्की सुनहरी हो जाएगी, तब डालेंगे इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च, जिनको मैंने कर लिया है चॉप। इनको भी हम 10 से 15 सेकंड भुन लेंगे ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़ दे। कड़ी पत्ते की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब डालेंगे हम इसके अंदर एक चॉप्ड मीडियम साइज अनियन और प्याज को भी हम भून लेंगे जब तक ये हल्का नरम ना हो जाए। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, हल्का क्रंची रखना है। अब डालेंगे हम इसमें वेजिटेबल्स, जो कि है बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, चॉप्ड बीन्स, और इन सबको हम मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट इनको पका लेंगे। इनको थोड़ी देर पकाने के बाद डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और सब्जियों के साथ उनको पका लेंगे। इसके अंदर आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं और इसको सुबह हेल्दी नाश्ते में ले सकते हैं। अब इसके लिड कवर करके पकाएंगे इसको हम 1 मिनट के लिए। सब्जियां हमारी नरम हो गई है, अब बस वर्समेली बनाने का लास्ट स्टेप। जी हाँ, सब्जियों के साथ मिला लेंगे हम अपनी उबली हुई सेवियां, जिनका हमने पानी ड्रेन कर लिया था। इनको नरम हाथों से मिलाएं ताकि ये बीच से टूटे ना और बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी मिक्सचर के साथ मिल जाए। तो ये नमकीन सेवियां बनी है हमारी सब्जियों से भरपूर और सुपर हेल्दी, और रंग है इनका इतना कलरफुल कि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। बस अब सेवियों के साथ इनको मिलाएंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और आखिरी में डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने कभी ये नहीं बनाई तो ये बनाना जरूर। ये बनाने में है बहुत ही आसान और लगती है बहुत ही टेस्टी। और आपकी सुविधा के लिए इस रेसिपी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।